हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है BS4 की कार्बोरेटर की है। तो इसका जो मिक्सचर स्क्रू होता है वो टूट गया है, तो गाड़ी माइलेज भी नहीं दे रही है और पोल्यूशन भी गाड़ी नहीं बता रही है, पोल्यूशन भी कैंसिल हो रहा है इसका। तो इसका बोल्ट अंदर टूट गया, हमें इसे निकालना है, तो उसके लिए हमें कार्बोरेटर खोलना पड़ेगा। पहले मैं आपको बोल्ट दिखला देता हूँ, ये जो टूटा हुआ है इसके अंदर मिक्सचर स्क्रू जिसे बोलते हैं एवरेज से सेट होता है, तो इसमें नए कार्बोरेटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, ये खुल जाता है आराम से। तो हम खोलते हैं इसको, फिर आपको दिखलाते हैं इसमें क्या करना है। तो जैसे कि देख सकते हो आप, हमने कार्बोरेटर को गाड़ी से निकाल लिया है। तो अब हम इसको ड्रिल मार के निकालेंगे, इस बोल्ट को जो टूटा हुआ देख सकते हो आप। इसका जो हाफ होता है वो माइनस वाला, वो आधा ही उड़ गया है बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से सेट नहीं होता मिक्सचर, काफ़ी साल हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जाम हो जाते हैं बहुत गाड़ियों के, हर गाड़ी के होते हैं। तो इसको हम खोलेंगे और वो ड्रिल मार के खोलेंगे, दिखलाते हैं आपको कैसे खोलेंगे। तो पहले देख लो आप इसकी हालत बिल्कुल क्या हो रही है, और इसे निकालने के बाद मैं आपको दिखलाता हूँ इसमें करना क्या है फिर हमें। तो इसके अंदर नया डालेंगे हम, तो इसे खुलवाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो इसके अंदर बोल्ट टूटा हुआ था वो हमने निकाल दिया है, ड्रिल मार के निकाला है हमने इसको। आधा घंटा लगा कम से कम इसे निकालने में, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ होती है ये। और कार्बोरेटर भी हमने बढ़िया से वॉश कर दिया है अंदर बाहर से खोल करके, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें कचरा वचरा कुछ नहीं, बिल्कुल क्लीन कर दिया हमने ये। अब हम इसके अंदर लगाएंगे बोल्ट, जो टूटा हुआ निकला है वो पार्ट मैं आपको दिखलाता हूँ। तो वो ये छोटा वाला जो पार्ट है इसके अंदर से बचा जो निकला है, तो बाकी तो ड्रिल मार के निकाला है, तो इसमें नया वाला डालेंगे हम ये मिक्सचर स्क्रू। तो ये भी देख लो आप कैसा है, ये स्क्रीन के साथ होता है, ये दो ऑयलिंग होती हैं इसके अंदर, तो इसे हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इससे पहले थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं, वरना तो सीज जाता है ज़्यादातर। ऑयल लगा लिया इसमें, तो स्मूथली अंदर जा रहा है, अटक वटक नहीं रहा इसके अंदर। इसमें ऑयल इसलिए लगाया है ताकि कभी इसे कोई बाद में खोले तो ये आराम से खुल जाए। तो अपना कार्बोरेटर यहाँ रेडी हो गया है, तो अब इसको हम गाड़ी के अंदर लगाते हैं। और आपको लगाते हुए तो दिखला नहीं पाएंगे, गाड़ी डायरेक्ट स्टार्ट करके दिखलाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ अपनी गाड़ी कंप्लीट होती है, तो गाड़ी में हमने कार्बोरेटर लगा दिया। गाड़ी में आपको स्टार्ट करके दिखलाता हूँ, तो गाड़ी फर्स्ट सेल्फ इजीली स्टार्ट हो रही है, देख सकते हो आप जैसे ही। तो गाड़ी को हमने कल ही फिट कर दी थी, तो कल वीडियो बना नहीं पाया मैं, क्योंकि कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इसके हमने कार्बोरेटर की ट्यूनिंग कर दी। तो जिस वजह से हमने कार्बोरेटर खोला था, ये एवरेज नहीं दे रही थी गाड़ी, और इसका पोल्यूशन में भी दिक्कत हो रही थी। तो अब गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, तो अभी से आप कहीं भी ले जाइए और माइलेज बहुत अच्छा देगी।